राजधानी दिल्ली में भूमि पूजन के साथ ही रामलीला मंचन की तैयारियां शुरू हो गई है। इसी दिशा में पूर्वी दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन के उत्सव ग्राउंड में श्री रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ की ओर भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भूमि पूजन के पश्चात कलाकारों ने रामलीला मंचन की झलकियां भी पेश की। इस अवसर पर पूर्वी दिल्ली के सांसद व राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, स्थानीय विधायक ओपी शर्मा, सहादरा साउथ जोन के चेयरमैन संदीप कपूर, पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल, रामलीला कमेटी के प्रधान सुरेश बिंदल सहित श्री रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ के पदाधिकारी और काफी तादाद में क्षेत्र के लोग भी मौजूद थे। इस अवसर पर हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि रामलीला सनातन संस्कृति को अपने आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का एक अच्छा माध्यम है। श्री रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ ने आज यहाँ पर आगामी रामलीलाओं को लेकर के भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा है। भारत की संस्कृति कम से कम 17.5 लाख वर्ष पुरानी है। जब भगवान राम ने अवतरित होकर के उस समय की दैवीय संस्कृति के बचाव के लिए उन्होंने अवतार लिया और समाज के उन लोगों के साथ मिल कर के वानर सेना, भील, नल, नील और उस समय के समाज के पिछड़े वर्गों के साथ मिलकर के रावण जैसे विद्वान को, महाबली को परास्त किया और उस समय जो मर्यादाएं भगवान राम ने प्रस्तापित की थी वो आज भी प्रासंगिक हैं। उन सब भगवान राम की उन लीलाओं का प्रदर्शन दिल्ली में, पूरे देश में इस नवरात्र उत्सव पर हमारा जो आगामी जनरेशन है, हमारी युवा पीढ़ी है, उनके अंदर भारतीय संस्कृति को प्रस्थापित करने के लिए किया जाता है। मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ इंद्रप्रस्थ रामलीला कमेटी को और शुभकामनाएं। इस मौके पर श्री रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ के पदाधिकारियों ने कहा कि भूमि पूजन के साथ ही रामलीला की विधिवत रूप से तैयारियां शुरू हो गई है। रामलीला 3 अक्टूबर से शुरू होगा जिसका समापन 13 अक्टूबर को होगा। इसके लिए भव्य पंडाल का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। श्री रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ अपनी नवीनता के लिए सारे देश में स्थान रखती है। इस बार भी 3 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक की रामलीला इसी मैदान में होगी। 12 अक्टूबर को विजयदशमी उत्सव मनाया जाएगा और हमारा सबसे पहला कार्यक्रम हो चुका है। वो 553 बच्चों ने कौन बनेगा रामायण प्रवीण इसकी पहली परीक्षा पास कर ली है और उसके बाद कार्यक्रम होगा और हमारे सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हम नई पीढ़ी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की शिक्षाओं से अवगत कराने में बहुत मेहनत करेंगे। रामलीला कमेटी इंद्रप्रस्थ हमेशा कुछ ना कुछ नया करने जाती है। इस बार भी हम चौथा पुतला जो जलाएंगे, जो हमारी कुरूति है समाज की, हम उसको जलाने की कोशिश करते हैं। जो भी धीरे धीरे सभी रामलीलाओं ने उसको अपनाया है कि जो हमारे देश में हमारे समाज को कुरूति करती है। रामलीला का आयोजन होता है और मैं समझता हूँ कि ये सनातन की सनातन परम्परा है और इन सनातन परम्पराओं में हम कुछ नए नए जो प्रयोग करते हैं उससे हम उसका कुछ भला नहीं करते हैं, ये मेरा अपना मानना है। तो मेरा मानना तो यही है और मैं सभी रामलीला कमेटियों को दिल्ली को संदेश देना चाहता हूँ कि जो हमारी पुरानी सनातन परंपराएं हैं लीलाओं के लिए, उसको अगर हम सनातन के हिसाब से ही रखें तो शायद हमारे बच्चों पे उसका ज़्यादा असर पड़ेगा। और हमारी जो है कल से सारा मंच बनना स्टार्ट हो जाएगा और जो पानी का, जो बारिश का है उसका पानी का भराव जो भी करेंगे वो हम खुद ही करने की तैयारी है पूरी और पूरा इस बार बहुत भव्य मंचन हम करेंगे। इसके प्रोग्राम में सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन बच्चों के द्वारा कराया जा रहा है। रामलीला इस बार पूरे ग्राउंड को हमने पूरे कारपेट से ढका जिससे कि धूल रहित बनाया जा रहा है और पुरानी दिल्ली के अच्छे अच्छे व्यंजनों से हमने नए नए स्टॉल लगाए हैं।